कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक जाके जिन्ना की मजार पर मत्था नहीं टेका है। तुम्हारे दो दो नेताओं ने जाके जिन्ना की मजार पर मत्था टेका, अडवाणी जी ने और जसवंत सिंह ने, उसका क्या जवाब, मोदी जी की क्या टिप्पणी है इस पर कि जो अडवाणी जी और जसवंत सिंह जिन्ना के मजार पर मत्था टेकने गए थे वो और उनको सेकुलर बताने गए थे जिन्ना को, उस पर वो क्या जवाब देश को देते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। और जैसा कि नरेश जी ने कहा बिल्कुल बात सही, सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात गुजरात से हो रहा है। और जब जब ये सवाल संसद में हम लोग लगाते हैं इसका जवाब वाणिज्य मंत्रालय देते नहीं है, कहते हमारे पास कोई सूचना नहीं। सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात गुजरात से हो रहा है, और क्या जो सबसे बड़ी एक कंपनी है जो मांस के निर्यात की इस देश की, अल कबीर नाम की, उससे किस भाजपा नेता का सबसे गहरा ताल्लुक या पार्टनरशिप है ये भी वो बताएं। अल कबीर नाम की जो कंपनी उससे किस जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता के सबसे गहरा ताल्लुक है वो भी उन्हें बताना चाहिए वहाँ पे। तो ये जो उसको भटका रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, गुमराह कर रहे हैं, ना तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दोस्ती नवाज शरीफ से इनकी है, और यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये क्या आतंकवाद से लड़ेंगे? आज इन्होंने सब देशों से रिश्ते खराब कर लिए। आज नेपाल से रिश्ते मोदी सरकार में खराब हुए, श्रीलंका से रिश्ते मोदी सरकार में खराब, जितने पड़ोसी देश हैं बर्मा तक से रिश्ते मोदी सरकार में खराब हुए। तो ये सारे पड़ोसी देश हैं, अमेरिका इनको हाथ नहीं रखने दे रहा है चुन वीजा पे, चीन सुरक्षा परिषद में नहीं आने दे रहा, किससे रिश्ते अच्छे हैं? कौन सी विदेश नीति आप चला रहे हैं? तो विदेश नीति पे आप फेल, आर्थिक नीति पे आप फेल, लॉ एंड कानून व्यवस्था पे आप फेल, और राष्ट्र की सुरक्षा पे आप फेल। और बातें सिर्फ भाषण करा लो, एक भी वादा आप पौने, आप तो लोग ढाई साल कहते हैं, अरे तीन साल होने में सिर्फ दो महीने बचे हैं, तीन साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं सरकार को, तीन साल में एक भी वादा पूरा हो बता दें, कोई भी एक वादा बता दीजिए, चाहे रोजगार देने का हो, चाहे जो है इन्होंने कहा था मेरी सरकार बनी 15 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे, आज 3 साल होने जा रहे हैं, न दाऊद आए न इब्राहिम आए, किसी को नहीं ला पाई। इन वादों को आप लोग पूछिए उनसे कि जो जो आपने कहा था एक भी चीज़ पूरी कर पाए। इन्होंने कहा था रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पे आ जाएगा जब मेरी सरकार आएगी, कहाँ आया? महंगाई पर नियंत्रण आ जाएगा, कहाँ आया? काला धन हम निकाल के लाएंगे, 1 रुपए का काला धन, जैसे कि बताया नरेश जी ने, एक बता ही नहीं, काला धन पे बात ही इस चुनाव में नहीं कर रहे कि कितना काला धन निकला, उसकी भी कोई चीज़ नहीं कर रहे। तो ये उद्योग धंधे अलग बंद हो रहे हैं, बेरोजगार लोग अलग हो रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है इन्होंने एक भी उपलब्धि 3 साल में सरकार केंद्र सरकार की नहीं रही है, इसलिए जो है। और जो इन्होंने चीज़ें लाई वो वही थी जो कांग्रेस सरकार की थी, GST, तब GST विरोध करते, अब GST बहुत अच्छी होगी। तब आधार कार्ड खराब था क्योंकि मैं आधार कार्ड के मिनिस्टर था, योजना मंत्री था, है? तो उस समय आधार कार्ड की बड़ी आलोचना, उसे राष्ट्र विरोधी बताते थे, अब आधार कार्ड कहेंगे बहुत अच्छा ही तो मेरा, हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जिनको इन्होंने लोगों को गुमराह करके लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नीतियों गलत बताया वो सब आप मान रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में विकास के लिए जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ये एक जोड़ी निकली है जो ये चाहती है कि यहाँ पे विकास हो। हमारा एजेंडा इस गठबंधन का ही रहेगा कि विकास होता रहे, विकास की सिर्फ बात हो और इसके अलावा कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास ही हम लोगों का प्रयास है, बाकी सब इधर उधर की बातें सिर्फ जुमलेबाजी जो हो रही है चुनाव जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे जनता को सावधान रहना चाहिए और ऐसा कोई इनको मौका नहीं देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को आके तबाह करें। आप पूछ लीजिए प्रश्न। सर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे चुटकी ली है आज नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा के दौरान, और उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो कोकोनट का नारियल पानी होता है उसको, मनमोहन जी ने कल अपने उद्बोधन के दौरान ये चीज़ कही थी कि हम उसकी फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसको चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम नारियल का जूस नहीं होता है जबकि नारियल का पानी होता है और इनको जानकारी ही नहीं, उन्होंने नारियल जूस करके बोला। देखिए एक तो बड़ा ही उचित बात होगी, मनमोहन सिंह जैसे सम्मानित व्यक्ति का जिनको पूरी दुनिया मानती है, उनका जिस तरह से मोदी जी किस तरह से उतर उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मजाक बन रही, मुझे नहीं लगता जनता पसंद कर रही। मनमोहन सिंह को जितना आर्थिक स्थिति आर्थिक चीज़ों का ज्ञान है उसका शायद 1/10 भी लोगों को नहीं होगा जो भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग हैं, तो इसको लोग अच्छी तरह नहीं ले रहे, बल्कि इसकी कड़ी आलोचना हो रही जो मनमोहन सिंह जी का मजाक ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी किसी के खिलाफ बोलते नहीं, चुप बेचारे, वो जो है हमेशा जो है सौम्यता की भाषा बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको कहीं कुछ भी उनके नाम पर बोल दें, क्या उनको नहीं पता है क्या
इनको जरूर नहीं पता होगा कि कोकोनट इंडस्ट्री से क्या होता हो, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये जो है इस तरह की मजाक बनाना उचित नहीं है। नारियल पानी भी पैक होकर बिकता है। सर, छठे चरण के चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा माफिया, गुंडे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस चरण में हैं। वजह क्या है कि चुनाव से पहले आप लोग बात करते हैं कि हम आपराधिक छवि को तवज्जो नहीं देंगे और उसके बाद इतनी ज्यादा तादाद बढ़ जाए? देखिए, अखिलेश यादव ने पूरी इस बात की कोशिश की कि माफिया और इस तरह के लोगों के तत्वों को दूर किया जाए। यही लड़ाई उन्होंने लड़ी और उस चीज़ को बखूबी लड़ी। राहुल गांधी जी का भी यही है कि इस तरह के तत्व दूर रहें, लेकिन जो है बाकी दलों को सोचना चाहिए। बीजेपी ने भी तमाम ऐसे लोगों को जिनके जो है बिल्कुल चरित्र जिनका गड़बड़ है, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, उनको मौका दिया और चुनाव लड़ा रहे हैं। 116 अपराधी बीजेपी से लड़ रहे हैं। किसपे? नहीं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। नहीं, उसकी जो लोग भी बहुत लोग निंदा कर रहे हैं, हर तरफ से समाज के तमाम वर्ग के लोग उठ के उसकी निंदा कर रहे हैं। जो विद्यार्थी परिषद का रुख रहा है उसकी सबने कड़ी आलोचना की। हम तो कहेंगे सहवाग जी को शुभकामना देंगे कि यही कह के कम से कम कहीं आ जाएं, वो भी राजनीति में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि क्रिकेट में वो अब खत्म हो गए हैं। तो भारत भी राजनीति में एडजस्ट हो सकता है, इसी से उनका कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। बात सर अगर बनारस की करें, देखिए इंडिविजुअल की बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इस पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो इस प्रकरण की उसमें विद्यार्थी परिषद ने जो रोल रहा, सबने आलोचना की जो